चलिए अभी हम बात कर लेते हैं प्लास्मोटोमी की। ये अगला मेथड है ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ में हम पढ़ चुके हैं बाइनरी फ्यूजन, राइट। बाइनरी फ्यूजन के बाद हमने पढ़ा था मल्टीपल फ्यूजन, अब पढ़ रहे हैं प्लास्मोटोमी, ठीक है। तो देखो प्लास्मोटोमी क्या होता है, द मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल फर्दर डिवाइड इंटू सिमिलर डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है, सेल में मल्टी न्यूक्लियस होगा, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा, और वही न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड होगा सिमिलर डॉटर सेल्स में, और जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होगा वो डिवाइड होगा इंटू डॉटर ऑर्गेनिज्म, और या देखो समझ नहीं आया बात, देखो जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा डॉटर ऑर्गेनिज्म में या फिर ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। डॉटर ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग बात एक ही है, देखो ये धन्यवाद, डॉटर ऑर्गेनिज्म और ऑफस्प्रिंग, ठीक है। और बिना किसके, बिना माइटोसिस के प्रोसेस, ठीक है। माइटोसिस नहीं होगा ना, जैसे हम जान चुके हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस होगा, क्योंकि एसेक्सुअल माइटोसिस से तो था और सेक्सुअली मियोसिस से। पर इसमें क्या होगा, प्लास्मोटोमी में क्या खास बात है कि बिना माइटोसिस में जाए ये ऑफस्प्रिंग या फिर डॉटर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। वो भी कैसे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो कि दोबारा डिवाइड होंगी डॉटर सेल्स में, फिर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका, डायग्राम देखिए, समझिएगा ड्राइंग पे मत जाइएगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह है, ठीक है, फिर और डॉटर सेल्स, ठीक है, फिर ये फर्दर डिवाइड, फिर ये और ज़्यादा, देखो इसमें न्यूक्लियस वाली जानने वाली बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं पे न्यूक्लियस अलग कलर से ना दे रही हूँ, क्या क्लियर हो जाए, देखो मैं ये डॉट ना दे रही हूँ सारे ऐसे करके, ये ना मल्टी न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये सेल है, और देखिए यहाँ पर मैं अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूँ तो ये ब्लू कलर से मैंने जो बनाए हैं, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाए हैं, ये है न्यूक्लियस, ठीक है, एन से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ये, और मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल्स हैं सारे, ठीक है। कौन से, ये सारे जो हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड डॉटर इंडिविजुअल्स हैं, और ये हो गया प्लास्मोटोमी। हुई बात क्लियर प्लास्मोटोमी की, ठीक है।